हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज आप लोगों को ले आए हैं KGF। आप जो सोच रहे होंगे कि KGF मूवी, वो वाला नहीं है, रियल वाला जो KGF यानी कि कोलार गोल्ड माइंस। तो एक्चुअली हम मूवी देखने के बाद इतना एक्साइटेड हो गए थे कि हमको रियल गोल्ड फील्ड हमको देखना है। तो इसीलिए मेरे जिगरी दोस्त चिक्कू को मैंने उसको साथ में लिया। तो अगर चलो, आज संडे है तो पूरा हॉलीडे है, आज जाके पूरा गोल्ड माइन को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमको देखना है कि यहाँ कैसे शूट किए थे, जो KGF chapter 1 chapter 2 का जो शूटिंग हुआ था उसका कैसे शूटिंग हुआ है, और इसका रियल हिस्ट्री क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो थोड़ा आप यहाँ का व्यू देख लीजिए। तो अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में आप जाके फॉलो कर सकते हो, उसका पूरा जितना वीडियो है मैं आपको इंस्टाग्राम में पूरा आपको सभी फ़ोटो देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। हाउ इज इट लुकिंग लाइक KGF? No, KGF, that Bharat BGML is there, no? That beside only. तो देख सकते हो मेरा पीछे का। Why this is not the real one, huh? This is not the real one, huh? Wow, जो मैं देखने के लिए तरस रहा था वो एक्चुअली ये प्लेस है, ये देखिए ये कैसा नज़ारा है। मैं उधर जाके आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे उनका पूरा प्रोसेसिंग हो रहा था गोल्ड का, मतलब इस मिट्टी को लेके क्या क्या उसको कर रहे थे, और ये सभी उसका सभी प्रोसेसिंग प्लांट है, देख सकते हैं। देखते हैं अंदर हमको छोड़ते हैं क्या, नहीं पता नहीं, कोशिश करते हैं। मैं अंदर जाऊंगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं, मैं भी नहीं छोड़ रहे होंगे क्योंकि यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है। वाह, तो मैं उस ऊपर में जाके आपको दिखाता हूँ उसका लोकेशन, और ऊपर जाके बात करते हैं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऊपर। मेरे को लगता है कुछ यहाँ बारिश हुआ, शायद इसे गीला गीला थोड़ा दिख रहा है। तगड़ा गर्मी हो रहा है भाई, चिक्कू तो पूरा आगे आगे चल रहा है पूरा। और यहाँ देख सकते हो ये सभी कोई कांटे वाला पौधा लगा रखा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, तो ये जो सारे जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो गोल्ड को प्रोसेसिंग करने के बाद जो खद बच जाता है, जो यूज होने के बाद जो मिट्टी बन जाता है और उसका वही अवशेष है। तो उसमें कुछ केमिकल फेमिकल डाल के तो उसको उससे सोना पूरा निकल देते थे। निकल देने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है तो ये सब यहाँ रख देते थे। देखो इतना सारा रख रख के कितना बड़ा पहाड़ जैसा बन गया है, ये सभी देख सकते हैं आप। यहाँ भी पूरा फैमिली विजिट करने आए, ये देख सकते हैं। जिस टाइम में माइनिंग चल रहा था इस टाइम में शायद ये पोल फुल कुछ था लाइटिंग फाइटिंग के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आना चाहते हैं तो बेंगलुरु से लगभग 108 का किलोमीटर्स हो
मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये आज से 20 साल पहले ये बंद हो चुका है, ये कोलार गोल्ड फील्ड। सो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ना गाइज, ये टोटल 1300 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि अभी BGML के अंडर में है, भारत गोल्ड माइन लिमिटेड। देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है। और टोटल इसी माइनिंग में 800 टन का सोना निकला था, मतलब आप समझ सकते हो कि उसी ज़माने में। तो आज से फर्स्ट सेंचुरी में जो यहाँ पे सोना निकला था, तो इतना सिर्फ यहाँ जितना सोना पैदा हुआ था तो हमको इंडिया में इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। जो कि अभी तक इसका गांव का लोगों सभी अभी भी बोलते हैं कि अभी भी यहाँ पे जितना सोना है तो अभी भी इसको खोदने से भी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से अलाउ नहीं है। और इसी एरिया में इतना मिट्टी के अंदर इतना टनल से है कि आपको 20-30 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा टनल। तो एक्चुअली जिस टाइम में ये माइनिंग चला हुआ करता था, तो उसी टाइम में जब टनल के अंदर ब्लास्ट हो रहा था गोल्ड निकालने के लिए, तो इसी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं तो उनका घर में भी पूरा वाइब्रेट होना लगता था, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो भी ब्लास्ट होता है तो कितना भयानक होता है आप लोगों को पता ही होगा। तो इसीलिए उसी टाइम से यहाँ कुछ गांव पूरा छोड़ के दूसरा शहर में जाके रहने लगे, जैसे कि बैंगलोर और अदर, यहाँ से कुछ दूसरा कुछ नियर बाई कुछ इसका मतलब प्रभाव इसी किसी एरिया में ना पड़े, तो यहाँ का लोग निकल के दूसरे जगह में रहने लगे हैं। ये 1956 में BGML के अंडर आया था, मतलब भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, जो कि उसको पूरा अंडर में लिया था। सभी ठीक ठाक चल रहा था, बस सभी ठीक ठाक चल रहा था, बस 1989 में उसका गोल्ड का प्रोडक्शन थोड़ा डाउन होने लगा है, मतलब उतना जितना पहले आता था अब तब से 1989 में गोल्ड का प्रोडक्शन थोड़ा कम होने लगा। तो इसलिए BGML थोड़ा डाउन में चला गया, इसलिए उसको कंपनी को 2001 में उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि पहले यहाँ 10,000 लोग काम करते थे, तो अभी 10,000 से उसको 3,000 कम कर दिया गया। तो इतना लोग कम हो गए तो प्रोडक्शन भी पूरा ज़ीरो हो गया, तो इसीलिए पूरा लॉस में जा रहा था कंपनी, तो इसलिए उसको पूरा बंद कर दिया। और हाँ, आपको ये और एक बात बोलना भूल गया कि 1902 में, मतलब 1902 में, तो पहले इसी एरिया में बिजली आई थी, जो कि एशिया का पहला एक गांव है जो कि यहाँ पावर सब आना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि गोल्ड प्रोडक्शन हो रहा तो करंट ज़रूर चाहिए, तो पावर आना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, देख सकते हैं अभी हम नीचे आ गए हैं, देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, चिक्कू पूरा फोटो खींचने में बिजी है। तो हम उधर से नीचे आके अभी यहाँ उतरे, अभी नीचे जाना है जहाँ पे KGF शूटिंग हुआ था, उसका कुछ एक गेट बचा हुआ है वो थोड़ा देखने के लिए। तो ये सभी का फोटो मैं इंस्टा में अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो ब्यूटीफुल ट्रैकर। ब्रो, वेयर इज द गेट ब्रो? नो, दे रिमूव्ड इट। हां, दैट नराची गेट। हां, दे रिमूव्ड इट लॉन्ग बैक। रिमूव्ड अ स्मॉल वन आल्सो नॉट देयर, दे टोल्ड। तो एक्चुअली हम नीचे आ गए हैं, एक्चुअली हम वो ढूंढ रहे हैं नराची गेट, जो कि KGF का मेन एंट्रेंस। तो एक्चुअली वो गेट इधर ही बना दिया था, वो लोग ने बोले है कि एक साल पहले यहाँ का जो लोग अभी जो विजिट करने आए थे वो बोले कि एक साल पहले इसको निकाल दिया थे। तो यहाँ कुछ गेट फेट नहीं है, बस यहाँ उतना ही देखने को मिला। तो आशा करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो चिक्कू को बोल रहा हूँ कि दूसरा प्लांट जाने के लिए, लेकिन वो बोला कि नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। तो आज वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ और एक नई जगह में, तब तक के लिए खुश रहिए।
आबाद रहिए। जय हिंद।